हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम लर्निंग टू लर्न। एंड आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, लाइक अभी तक हमने क्या कर लिया इन टीचिंग एप्टीट्यूड, लेट मी गिव यू एन अपडेट ऑन दैट एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। ओके, सो इन टीचिंग वी स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ टीचिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग द मीनिंग वी ऑल्सो डिड द फीचर्स। फीचर्स कर लेने के बाद हम लोगों ने बेसिक रिक्वायरमेंट्स किया था। ऑब्जेक्टिव्स किया था, फिर हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग किया था। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम लोगों ने मेमोरी लेवल के बारे में स्टडी किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में स्टडी किया, रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में स्टडी किया। लेवल्स के बाद हम लोगों ने इवन ये देखा प्रोसेस ऑफ टीचिंग, अगर आपने वो ना देखा हो। एंड वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू टीचिंग इज डिफरेंट, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंडॉक्ट्रिनेशन, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यस, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस एंड इंडॉक्ट्रिनेशन। ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे मोड्स ऑफ टीचिंग, जहाँ पे वी एक्चुअली कंप्लीटेड विद द लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, और स्मॉल ग्रुप पे हम शिफ्ट कर चुके थे, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप में हमने थ्री मेथड्स ऑलरेडी कर लिए थे, दैट वॉज ग्रुप डिस्कशन मेथड, पैनल डिस्कशन मेथड एंड सेमिनार मेथड। ये तीनों मेथड्स हम कर चुके थे। अब इसके आगे मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, एंड मेक श्योर आप सारे वीडियोस एकदम डिटेल पॉइंट टू पॉइंट देखिए, वरना आप काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में अब हाँ, कंटेंट पूरा हिंदी और इंग्लिश में है। अब ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, यू विल नॉट गेट दिस नोट्स, बेटर यू कैन नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट एज यू लाइक। ओके, सो वी डिड ग्रुप डिस्कशन मेथड, ये हमारा हो चुका है। आफ्टर ग्रुप डिस्कशन वी हैव ऑल्सो सीन द सेमिनार मेथड एंड द पैनल डिस्कशन मेथड, दिस थ्री वी हैव डन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, तो आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। इफ़ यू नॉट एबल टू गेट द प्लेलिस्ट, जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन, यू कैन गेट, और एल्स टॉप राइट कॉर्नर में जो आई सेक्शन आएगा आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने किया था। ग्रुप डिस्कशन वॉज समथिंग लाइक दिस, इफ़ यू रिमेंबर। यस, तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन मतलब सेम लेवल के बच्चे, सेम कैटेगरी के बच्चे जब एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं उसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, और जब एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं तो हम उसे पैनल डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज जस्ट लाइक ग्रुप डिस्कशन। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में जो होता है वही ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग अगर मैं बोलूँ कि ग्रुप डिस्कशन नहीं होता ब्रेनस्टॉर्मिंग में, नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी ग्रुप डिस्कशन होता है। बट यहाँ पर किसी टॉपिक के बजाय हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे भी सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते हैं, हम बहुत नए नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अ पर्टिकुलर इश्यू, राइट? तो उसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेज करता है क्रिएटिविटी, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तो लार्ज पार्टिसिपेशन है, और इकोनॉमिक। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ही प्रैक्टिकल रहा, अगर आपका सॉल्यूशन एकदम 100% सही बैठता है और प्रैक्टिकल रहा तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू द एक्चुअल सॉल्यूशन अवेलेबल। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं हुआ पढ़ाई करने का। यस, ये मैं भी मानती हूँ कि भाई कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ समझने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सही तरीका नहीं है, बट यस, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेथड्स, ये आपने स्कूल में देखा ही होगा। स्कूल में यूजुअली इफ़ यू रिमेंबर इन आर टाइम व्हाट वी यूज टू डू इज वी यूज टू हैव प्रोजेक्ट्स, राइट? तो हम लोग क्या करते थे, एक वाइट कलर का थर्मोकोल का बोर्ड लेकर आते थे और उसके ऊपर ऐसे कुछ घर बनाना या कोई पूरा स्ट्रक्चर बनाना, और फिर उसका पूरा लाइक कुछ बच्चे वालकनो बनाते थे, राइट? और वालकनो में आई थिंक बेकिंग सोडा एंड वेनेगर डाल के पूरा उसका लावा क्रिएट करते थे to give a 3D kind of demonstration, right? इसके अलावा you can also have posters, charts, etc. के posters बनाइए, और उसमें हम लिखते थे save our planet,
यस ये सारी चीज़ें ठीक है, सेव प्लान्स एंड एवरीथिंग. तो वो क्या है, दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड हमेशा एक क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट को डेवलप करता है. यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हो, ठीक है. तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है. और टीम वर्क क्यों, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट सिर्फ एक बंदा नहीं करता, दो तीन बंदों को काम साथ में दिया जाता है. सो यू ऑल पीपल विल ट्राई टू गेट योर टीम वर्क टुगेदर. तो टीम वर्क की हैबिट भी इसमें डेवलप होती है. डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके लिए आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, लाइक थर्मोकॉल, चार्ट बोर्ड्स, स्केच पेन, स्टेशनरी एक्सेट्रा. तो ऑफकोर्स इसका कॉस्ट आ जाएगा. एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. आपको बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा, टीम को मॉनिटर करना पड़ेगा कि सब लोग काम कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है, बाकी लोग कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे इन दैट प्रोजेक्ट मेथड. सो यहाँ पर पार्टिसिपेशन सबका रहेगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगा एंड टीम वर्क भी इंप्रूव होगा. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स आई कुड से. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड रोल प्लेइंग मेथड. रोल प्लेइंग ये बहुत अच्छा मेथड. रोल प्लेइंग में अगर आपको याद हो तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में आप शायद कृष्ण बने होंगे या कोई फ्रीडम फाइटर बने होंगे, लाइक गांधी जी एंड मैनी अदर फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया. तो वॉट इज दिस, दैट इज रोल प्लेइंग. वहाँ पर आप एक स्किट में या एक पर्टिकुलर ड्रामा में पार्ट लेते हैं, आपके कुछ डायलॉग्स होते हैं, आप वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और फिर वो रोल अदा करते हैं. दैट इज कॉल्ड रोल प्लेइंग. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये रिलेटेबल है टू रियल लाइफ सिचुएशंस. इससे बच्चे को पता चलता है कि भाई रियल लाइफ सिचुएशन में और क्या क्या होता है. बच्चा और डीप में उसको पढ़ने की कोशिश करता है, बच्चा समझने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमें उस वक्त क्या हुआ था. वो ज़्यादा सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं रहती, अब थोड़ा सा उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलना शुरू होता है. तो इससे इमीडिएट फीडबैक मिल सकता है. सारे बच्चे, सारे नहीं बोल सकते बट मोस्ट, आई कुड से नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन दिस. इंक्रीजेस द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. यस, बिकॉज वो पूरी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेटिव मेथड है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं या मोस्ट ऑफ द बच्चे इन्वॉल्व होते हैं. सो दे स्टार्ट टेकिंग गुड डिसीजंस, दे स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. एंड इट ऑल्सो चेंजेस द एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक बच्चा वो काम खुद से नहीं करता, उसे एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि उसमें कितनी मेहनत लगती है. सो यस, दिस चेंजेस द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और मेक देम मोर अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और द सिचुएशन. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोल प्लेइंग मेथड. हिंदी में भी है, आप आराम से देख सकते हैं. अब रोल प्लेइंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स. ज़रूरी नहीं कि आपने जैसे सोचा कि बच्चे का ये आउटकम लिख लेगा या बच्चा ये समझेगा, ज़रूरी नहीं वैसा ही हो. आउटकम एकदम डिफरेंट भी हो सकता है, दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स. रियल लाइफ सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ऑफकोर्स हम यहाँ पर बच्चे को आधे घंटे के लिए स्किट में प्ले करवा रहे हैं, ड्रामा एक घंटे का है, बट रियल लाइफ सिचुएशन पूरी लाइफ चलती है. इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट अ वन आवर ड्रामा जो ख़त्म हो जाएगा. इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर होते हैं. येस, वी नीड द कॉस्ट्यूम्स, वी नीड द टाइम, वी नीड एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस, एवरीथिंग. सो ऑफकोर्स वी नीड मोर काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ लर्निंग और टीचिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग. येस, इसमें एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, सब में टाइम ज़रूर जाएगा. सो येस, दिस वॉज रोल प्लेइंग मेथड. तो आज हमने और तीन मेथड्स किए ऑफ स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग मेथड. अब जब हम नेक्स्ट में मिलेंगे, हम सिमुलेशन और बाकी मेथड्स करेंगे और मैं ट्राई करूंगी अपलोड करने का फटाफट, सो दैट हम जो शेड्यूल हमने पहले बनाया था उसको फॉलो कर पाएँ. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड मेक श्योर यू वॉच द वीडियोज. इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, प्लीज डू लेट मी नो. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड. बाय एवरीवन.